तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए, देख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आज हम मोगरा देवी आए हैं, तो आप देख सकते हो पीछे उसका बैनर है। तो हम ये इधर लक्ष्मी घाट के अभी खड़े हुए हैं। अभी हम यहाँ से ये ऊपर जाने का रास्ता है उधर से, जैसा आप देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे न्यू ब्लॉग के लिए। तो हमने सोचा कि आज हम ब्लॉग बनाने के लिए क्या है, तो गंगा देवी और ये मोगरा देवी का रास्ता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हमने बताया कि हमें हम इधर मोगरा के पहले ब्रिज पे हैं और ये ऊपर चढ़ने का रास्ता है, तो अभी हम चल रहे हैं। तो चलो तो आप आओगे तो यहाँ दुकान भी आपकी दिखेगी एक। तो यही दुकान से सीढ़ी का रास्ता है और यहाँ एक बोर्ड है, तो देखिए हमें उतना ऊपर जाना है अभी। जैसा कि हमने बताया कि हमें इतना ऊपर जाना है, तो बहुत ऊपर है वो, तो अभी हम चलने वाले। तो आप देख सकते हो इस बाजू जो झरना है, तो झरना बहता है, बहुत अच्छा जगह है। तो बहुत सी सीढ़ी ऊपर चढ़नी है बहुत, लेकिन इधर आप आओ देखिए अभी हम कितने ऊपर हैं। तो अभी ऐसा रास्ता जाएगा यहाँ से, बहुत ऊपर है, लेकिन पानी का प्लेस है, देख सकते हो इधर पानी भी बहता है। तो गाइस यहाँ क्या क्या है क्या नहीं है हमें इस ब्लॉग में पता चलेगा, तो हमारे ब्लॉग को आखिर तक देखिए। तो देख सकते हो इधर पीछे पानी है, ऊपर से देखिए झरना आ रहा है। तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि हमारा झरना है, देखो इधर झरना बहता है, तो आप देख सकते हो यहाँ का पूरा नज़ारा। जैसे ही आप अगर चढ़ना चालू करोगे तो वैसे ही आपको पहला मंदिर नज़र आएगा। मंदिर का नाम है श्री मारुति मंदिर, श्री सिद्धि आश्रम देवी मंदिर ओम। तो आप ये मंदिर के दर्शन कीजिए, फिर आप ऊपर चढ़ना चालू करिए। मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर, पहली बार आया हूँ, तो मुझे लगा कि ये सीढ़ी नहीं बन गई है। बहुत से लोगों का कहना भी है कि सीढ़ी पहले ऐसी नहीं थी। तो अभी हम फर्स्ट मंदिर पे गए थे जो हमने आपको दिखाया, तो हमें और ऊपर जाना है। ये देखिए इधर बहुत सी सीढ़ी है इधर, तो अभी आप देख सकते हो ये सीढ़ी अभी कितनी ऊपर तक है। सबसे लास्ट में जाना है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सीढ़ी बहुत है। तो गाइस बहुत बड़ा है इधर, बहुत बड़ा प्लेस है, अभी और ऊपर है ना। देखिए पानी बहता रहता है, ये देख सकते हो आप। तो ये ब्लॉग मेरा कुछ चाहे बड़ा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी रास्ता काफ़ी बड़ा है, और आप सभी को आने के लिए तो रास्ते की नॉलेज होना ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ आके अगर थक जाओ तो बैठ भी जाना। अरे तो जैसे आपने रास्ता देखा, तो अभी हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, हम काफ़ी ऊपर है, देख सकते हो वहाँ की दूर दूर बिल्डिंगें हैं जो दिखाई भी नहीं दे रही है हमें, तो हमें और ऊपर जाना है। तो ये देखिए आप, वो ऊपर का पहाड़ है ना, क्या क्या पहाड़, हाँ वो पीछे वाला, उसके उधर जाना है हमें। हाँ तो गाइस वैसे होके जाना है, पहाड़ी समझ लो, हम तो फर्स्ट टाइम आए, हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। तो पहाड़ तक तो हमें जाना ही है, देख सकते हो खाली जंगल है, और काफ़ी गर्म भी बहुत हो रहा है, बारिश के मौसम में गर्मी हो रही है, सोचो। वो देखिए आपको हम मंदिर दिखाते हैं, मंदिर कहाँ है, लगभग पहुँच गया, बस थोड़ी सी दूरी है। तो देखिए देखिए मंदिर,
जहाँ ये झंडा दिख रहा है ना आपको, हमें वहीं जाना है, बस थोड़ी दूर है, तो आप रास्ता भी देख सकते हो। चलिए, तो गाइस हम यहाँ फ़ोटोशूट तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे कैमरा मैन आए नहीं है, सुनील भाई वही फ़ोटोशूट करते हैं हमारी। हम आपको सिर्फ दिखाने आए थे कि हमें भी नॉलेज हो जाए और आपको भी हो जाए। फाइनली गाइस हम पहुँच गए, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि देख ही सकते हो कि कितना बड़ा है, तो यहाँ फोन और वीडियो बनाना मन है, फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये आखिरी मंदिर है, मेन वो था। तो यहाँ देखिए इधर एक देवी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कितना बड़ा नज़ारा है ये, देखिए। तो गाइस चलिए देखते हैं आगे क्या। जैसे कि फ्रेंड्स हमने दर्शन भी लिया और आप सभी को दिखाया अभी कि कैसा क्या है वहाँ। वीडियो शूट करना मना था ज़्यादातर, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं किधर गया, तो मेरे कैमरे पे पानी गिरने की वजह से ये कैमरा थोड़ा धुंधला हो जाता है। तो गाइज मेरा ब्लॉग यहीं तक ही था, तो गाइज हम मिलते हैं आपको न्यू और कहीं नए टॉपिक पर और कहीं नई जगह पर। तो